क्वेश्चन नंबर सिक्स को देखते हैं। दिया हुआ है यदि a इक्वल टू रूट फाइव प्लस वन बाय रूट फाइव माइनस वन व b इक्वल टू रूट फाइव माइनस वन बाय रूट फाइव प्लस वन हो तो निम्नलिखित का मान निर्णय करो या ज्ञात करो। ये वाला क्वेश्चन एक, दो, तीन और चार, चार पार्ट में क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको आपको सॉल्व करके ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले पहला वाला करते हैं। दिया हुआ ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस तरह के क्वेश्चन जब भी दिए हुए हो तो आपको याद रखना है कि सबसे पहले ए प्लस बी निकाल लेना है, नहीं तो ए माइनस बी निकाल लेना है, और उसके बाद ए बी निकाल लेना है इस वाले चीज को। ठीक है, एकदम दिमाग में बैठा हुआ होना चाहिए कि हाँ क्या क्या स्टेप बाई स्टेप करना है। तो ए दिया हुआ ये, बी दिया हुआ ये, अब आप ए प्लस बी निकालिए, ए का वैल्यू निकाले, बी का वैल्यू निकाले। देखिए यहां पर जो है वही यहां पर है, यहां पर जो है वही यहां पे है। देखिए रूट फाइव माइनस वन, यहां पर रूट फाइव माइनस वन, यहां पर रूट फाइव प्लस वन, यहां पर रूट फाइव प्लस वन, रूट फाइव प्लस वन, ये वाला हिस्सा देख रहे हैं। इसका मतलब इन दोनों का लॉसा निकालता हूं तो ऊपर में होल स्क्वायर होगा, इधर भी होल स्क्वायर होगा अंश में। तो देखिए लॉसा निकालिए इन दोनों का, तो आगे रूट फाइव माइनस वन, रूट फाइव प्लस वन, इसने इसको भाग दिया, कितना बचा रूट फाइव प्लस वन, अंश को गुना किया तो रूट फाइव प्लस वन होल स्क्वायर। इसी तरह से रूट फाइव प्लस वन ने भाग दिया इस पूरे को तो रूट फाइव माइनस वन आ गया, तो अंश में गुना हुआ रूट फाइव माइनस वन, तो रूट फाइव माइनस वन होल स्क्वायर। अब इसको देख लीजिए, रूट फाइव प्लस वन मतलब ए प्लस बी होल स्क्वायर, यहाँ पे रूट फाइव माइनस वन ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो इसको हम लोग डायरेक्टली ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला में मतलब ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूला में लिखेंगे। देखिए ए के जगह में कौन है रूट फाइव, तो रूट फाइव होल स्क्वायर मीन्स केवल फाइव, बी के जगह में वन, वन होल स्क्वायर मतलब वन, देखिए और वन और रूट फाइव, ए बी तो ए बी गुना करेंगे तो रूट फाइव ही आएगा, तो टू ए बी लिख दिए एक ही बार में। और यहाँ भी इसी तरह से रूट फाइव माइनस वन मतलब ए माइनस बी होल स्क्वायर, इसका मतलब हो गया ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ए रूट फाइव होल स्क्वायर मतलब रूट फाइव होल स्क्वायर का मतलब हो गया केवल फाइव, और वन होल स्क्वायर मतलब वन, और वन और रूट फाइव को गुना करने से केवल रूट फाइव होता है, इसलिए माइनस टू ए बी तो टू रूट फाइव आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन में देख रहे हैं रूट टू रूट फाइव, टू रूट फाइव कट गया। देखिए पांच पांच दस और एक ग्यारह और एक बारह, बारह बटा देखिए ये वाला हिस्सा, यहाँ पर माइनस वन, यहाँ पे बारह हुआ, हॉर में देखिए फाइव माइनस वन हुआ, तो यहाँ पे फोर हो गया, तो बारह बटा चार, बारह बटा चार मतलब तीन। तो इससे आप क्या निकालिए, ए प्लस बी इक्वल टू थ्री आपके पास आ गया। इसके बाद में आपका टारगेट क्या रहेगा, आप ए गुना बी निकालिएगा, ए बी, ए बी निकालिएगा। तो क्या कीजिएगा, ए का वैल्यू जो दिया है उसको लिख लीजिए, फिर बी का वैल्यू है उसको लिख लीजिए। देखिए अंश हर, हर अंश, अंश ये देखिए अंश और हर कट गया, यहाँ पे अंश हर कट गया, क्या बचा वन, तो ए बी इक्वल टू वन निकल गया। अब पहला पार्ट जो आपके पास दिया है उसको करते हैं। देखिए ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसको हम लोग लिख लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, फिर नीचे में लिख लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, इस तरह से लिख लिए। अब चूंकि मैंने ए प्लस बी का वैल्यू निकाला है इसीलिए मैं प्लस वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, आप जानते हैं इसका दोनों दो दो फॉर्मूला होता है ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना होता है आप जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस टू ए बी, या फिर ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस टू ए बी। आप अगर प्लस वाला निकाले हैं तो इसको यूज कीजिए, ए प्लस बी निकाले हैं तो, अगर माइनस वाला निकाले हैं तो इसको यूज कीजिए। चूंकि इसमें मैंने ए प्लस बी का वैल्यू निकाला है इसलिए मैं इसको ब्रेक किया, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस टू ए बी, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस टू ए बी, ए बी जो है उसको लिख दिए, यहाँ के ए बी जो है उसको लिख दिए। तो देखिए दो ए बी में से एक ए बी चला घट गया तो कितना माइनस ए बी, यहाँ पे दो ए बी और एक ए बी मिलकर तीन ए बी हो गया। ए प्लस बी का वैल्यू तीन है, तीन है दोनों जगह, तीन तीन लिखे और स्क्वायर बैठा दिए, और ए बी का मान वन है वन लिख दिए, तो तीन ए बी का मान वन, तो एक 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 और तीन एक तीन और तीन तीन नौ, यहाँ भी नौ, तो नौ में से एक गया आठ, छः में नौ में से तीन गया छः, दो से काटे इसको, दो चौका दो तिया
तो 4/3, इसका मतलब क्या हो गया, एक पूर्णांक 1/3। तो इस तरह से हम लोग इस तरह के प्रश्न को हल करते रहेंगे। देखिए 6 का 2 को आप देखते हैं, यहाँ पे a माइनस बी होल क्यूब बाई ए प्लस बी होल क्यूब को निकालना है। आप a प्लस बी का वैल्यू निकाल ली है पहले जैसे किए, तो वही चीज है यहाँ पे निकाल के रखे रहिएगा पहले, और उसके बाद में a माइनस बी का वैल्यू यहाँ पे निकाल लीजिएगा इस साइड में, ठीक, इसके नीचे में निकाल लीजिएगा, देखिए यहाँ पर निकाला हुआ है, ठीक। आप उसके बाद में a प्लस बी का वैल्यू निकल गया, फिर a माइनस बी का भी वैल्यू निकल गया। तो a माइनस बी का वैल्यू आप देख रहे हैं ऊपर में, जैसे यहाँ पे परिमेयकरण करते हुए निकालते हुए गए थे, केवल यहाँ पर जैसे प्लस है तो वहां पे माइनस रहेगा, और यहाँ पे चेंज ऑफ साइन हो जाएगा माइनस वाले में, देख पा रहे हैं वहां पे, ठीक। तो उसके बाद में ए प्लस बी इक्वल टू 3 निकल गया, और ए माइनस बी इक्वल टू कितना निकल गया, √5। अब इसके बाद में आप क्या करेंगे, लिखेंगे ए माइनस बी होल क्यूब बाई ए प्लस बी होल क्यूब, आप माइनस ए माइनस बी होल क्यूब का वैल्यू बैठाएंगे √5 होल क्यूब, और ए प्लस बी का वैल्यू बैठाएंगे 3 होल क्यूब। तो 5 5 5 कितना होगा, 5 5 25 का 5, केवल 5, 25 की वर्गमूल निकालेंगे तो केवल 5, और एक √5 बच गया। 3 3 3 3 बार 3 3 को गुना करेंगे तो कितना होगा, 3 3 9 9 3 27, तो 5 √5/27 हुआ। देखिए पहले वाले क्वेश्चन की तरह भी आप a प्लस बी निकाल लीजिएगा, a प्लस बी इक्वल टू 3 ही रहेगा, और ए बी इक्वल टू कितना रहेगा, 1 आ जाएगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, जो थर्ड क्वेश्चन है उसको हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए 3a² + 5ab + 3b² यहाँ भी देखिए 3a² - 5ab + 3b² हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर वाले को पास पास में लिखेंगे। देखिए देखिए 3a² + 3b² फिर 3a² + 3b², इसको ज्यों का त्यों साइड में लिख दिए। अब इन दोनों में से कॉमन ले लिए 3, देखिए 3 कॉमन निकल गया, तो कितना हो गया, a² + b² यहाँ भी a² + b² हो गया ना, जीव का त्यों उतारते चले जा रहे हैं। अब देखिए a² + b² का जो फॉर्मूला होता है, मैं प्लस वाला यूज करूंगा, क्योंकि उस साइड में देखिए a + b = 3 को ही हम लोग यूज कर रहे हैं इसके लिए, इसीलिए लिखेंगे a + b² - 2ab, यहाँ भी a + b² - 2ab, 3 बाहर जीव का त्यों, और 5ab ऊपर भी नीचे भी, ऊपर प्लस नीचे में माइनस था वैसे लिख दिए। अब इस 3 ने गुना किया, देखिए 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6 यहां पर देख लीजिए। अब देखिए 5 में से 6 गया, देखिए -1, और यहाँ पे 6 5 11 ab, अब a प्लस बी का वैल्यू 3 बैठा है, 3 3 9, यहाँ भी 3 बैठा है, 3 3 9, और ab का वैल्यू 1 बैठा है, यहाँ भी ab का वैल्यू 1 बैठा है, तो 11 × 1 = 11, 1 × 1 = 1, यहाँ पे 9 3 27 -1, यहाँ पे 9 3 27 -11, 27 में से 1 गया 26, 27 में से 11 गया 16, 2 से काटे हैं तो 13/8, इसका मतलब क्या हो गया, 1 पूर्णांक 5/8। तो इस प्रकार से इस तरह का क्वेश्चन जब भी रहे तो आप याद कीजिएगा, यहाँ पे b² जो है, a² जो है, उसके साथ में सेम डिजिट रहेगा, सेम नंबर रहेगा, यहाँ पे 3 है तो 3, 4 है तो 4, 5 है तो 5, इसी तरह का रहेगा, और आप इसी तरह से कैलकुलेशन करते हुए आगे बढ़ते चले जाएगा और आसानी से ये बन जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है a³ + b³ / a³ - b³ का मान निकालो। जैसे आप थोड़ी देर पहले क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 को किए हैं, सेम उसी तरह से इसके लिए भी, इस को निकालने के लिए भी आपको a प्लस बी चाहिए और a माइनस बी चाहिए। तो a प्लस बी देखिए उस साइड में हम लोग a प्लस बी इक्वल टू 3 निकाले हैं, समझ गए होंगे कैसे निकालते हैं, और ए बी का वैल्यू देखिए ऊपर में 1 आ जाता है, तो a माइनस बी का भी वैल्यू आप निकाल लीजिएगा, यहाँ पे निकाल लिया है देख लीजिए। तो निकालने के बाद में आप इसको फॉर्मूला में ब्रेक कीजिएगा, x³ + b³ = x + y³ - 3xy × x + y, x³ - y³ का फॉर्मूला इसी तरह से x - y³ + 3xy × x - y, वैल्यू पुट अप कर दिए, देखिए a + b² - 3ab × a + b,
और इसका वैल्यू ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला ए माइनस बी होल क्यू प्लस थ्री ए बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी का वैल्यू उधर से 3 लिख दिए, ए बी का वैल्यू ऊपर में निकाले हैं 1 लिख दिए, ए प्लस बी का वैल्यू कितना है 3 है उसको बैठा दिए, ए माइनस बी का वैल्यू निकाले थे रूट फाइव बैठा दिए, यहाँ भी 1 ए बी का वैल्यू और ए माइनस बी का वैल्यू रूट फाइव। यहाँ पे देखिए 3 होल क्यूब मतलब 27, 5 रूट फाइव होल क्यूब 25 रूट फाइव, और यहाँ पे 3 × 3 × 1 9 हो गया, और यहाँ पे 3 × 1 × √5 √5। ऊपर में देखिए 27 में से 9 गया 18, और 25 और 3 मिलकर 28 और √5 जीव कहती हूँ, 2 से काटे 9/14 √5 हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, x इक्वल टू 2 + √3, y इक्वल टू 2 − √3 हो तो निम्नलिखित का सरलतम मान ज्ञात कीजिए। देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा आप इतना मान के चलिए कि x और y दोनों दिया रहे तो रोमन 4 xy + 1yxy का मान निकालने के लिए बोलेगा, नहीं तो रोमन 5 3x² − 5xy + 3y² का मान निकालने के लिए बोलेगा। किंतु अगर x दे या y दे तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1, 3 या 2 ही मिलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो x दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लिए x इक्वल टू इतना। ये डिपेंड करता है कि कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ है उसी के अनुसार से हम लोग इस हिसाब में आगे बढ़ेंगे। क्योंकि मुझे चाहिए इसलिए मैं इस 1/x निकालूंगा और यहां भी 1/y भी निकालूंगा। आप देख लीजिए किस क्वेश्चन में लगेगा 1/x 1/y, उसी हिसाब से आप जब करिएगा तो इसको बना लेना होगा, अदरवाइज नो नीड। ठीक है, x इक्वल टू 2 + √3 दिया हुआ है तो 1/x इक्वल टू कितना होगा 1/2 + √3। अब 2 + √3 हो गया तो इसको परिमेयकरण कीजिए। देखिए इसका 2 + √3 है तो इसका करणी निवारक उत्पादक क्या होता है, इसका अपोजिट होगा, है ना। यहाँ प्लस है तो माइनस, या फिर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस, दो में से किसी एक जोड़ा को ले लीजिए, किसी एक को ले लीजिए दो जोड़े में, एक जोड़े में से। तो देखिए 2 + √3 तो 2 − √3, यहाँ पे 2 − √3। तो देखिए ऊपर में 1 ने गुना किया यही हो गया, और यहाँ पे a + b × a − b। चूंकि आप इतने सारे क्वेश्चन कर चुके हैं तो आप समझ गए होंगे कि a + b × a − b कितना होगा, a² − b² a² मतलब 2² यहाँ पे √3² कितना होगा, 2² मतलब 4 और √3² केवल 3, तो 4 में से 3 गया 1, इसका मतलब हो गया 2 − √3। 1/x इक्वल टू कितना हो गया 2 − √3। सेम इसी तरह से 1/y निकाले, y इक्वल टू इतना दिया तो 1/y 1/2 − √3। तो इसका रेशनलाइजेशन किए, परिमेयकरण किए तो इसी तरह से देखिए 2 + √3 आ गया, 1/y = 2 + √3। आप नंबर 1 कर रहे हैं x − 1/x, तो इस चीज को जरूरत ही नहीं है आपको, इसको कीजिएगा और निकाल लीजिएगा x − 1/x, x का वैल्यू 2 + √3 माइनस 1/x का वैल्यू निकालें 2 − √3 लिख दिए। देखिए माइनस 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 प्लस माइनस 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 प्लस, तो देखिए इस तरह से चेंज ऑफ साइन हो गया, तो 2 + √3 − 2 + √3, 2 कट गया, √3 √3 कितना, √3 2 √3 हो गया। ठीक है, अब जब रोमन 2 को करेंगे तो ये x वाला चीज चाहिए ही नहीं, ये लगेगा ही नहीं, आपको क्या करना है ये वाला हिस्सा करना है, ये वाला हिस्सा y और 1/y का वैल्यू निकाल लीजिएगा, फिर एक ही बार में आप क्या कीजिएगा इसको लेके शुरू कर दीजिएगा। जब 3 को कीजिएगा तो इसको निकालना है और इसको निकालना है, उसके बाद में 3 में जाइएगा। ठीक है, तो हम लोग रोमन 2 में जाते हैं। देखिए y निकल गया 2 − √3 और 1/y कितना निकल गया 2 + √3। ठीक है, रोमन 2 देखते हैं, y² + 1/y² इक्वल टू कितना है, यहां पे y² + 1/y² y + 1/y²
माइनस टू ए बी, तो ए के जगह में वाई, बी के जगह में वन बाई वाई, यहां भी उसी तरह से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो मैं प्लस वाला ही ले रहा हूं क्योंकि आसान रहेगा। देखिए y का वैल्यू 2 माइनस रूट थ्री लिख दिए, 1 बाई वाई का वैल्यू निकालना है 2 प्लस रूट थ्री लिख दिए, ठीक है, यहाँ पे होल स्क्वायर, फिर y y कट गया, यहाँ पे y, तो केवल 2 बचा, तो देखिए रूट थ्री कट गया, तो 4 होल स्क्वायर मीन 16 और 2 घटा इसमें से तो 14। तो इस तरह से अगर y इसको निकालना है तो तब आप इसको कीजिए, फिर इसको कर लीजिए। अब इसको जब करना है तो आपको इस साइड का इसको करना है, इसको करना है, फिर यहां पे आना है। देखिए एक्स क्यू माइनस वन बाई एक्स क्यू, फॉर्मूला में ब्रेक कर रहे हैं, एक्स होल क्यू माइनस वन बाई एक्स होल क्यू, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी होल क्यू माइनस थ्री ए बी इंटू ए माइनस बी, है ना, तो ए माइनस बी, एक्स माइनस वन बाई एक्स कितना निकाले थे, टू रूट थ्री बैठा दिए, यहां भी टू रूट थ्री बैठा दिए, यहाँ का एक्स, यहाँ का एक्स कट गया, तो तीन दो छः और यहाँ पे दो 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 आठ, देखिए यहाँ पे टू रूट थ्री इंटू टू रूट थ्री इंटू टू रूट थ्री आठ, रूट थ्री रूट थ्री रूट नाइन मतलब केवल तीन, और यहाँ पे रूट थ्री, आठ तीन चौबीस रूट थ्री, आठ तीन चौबीस रूट थ्री माइनस सिक्स, चौबीस में से छः गया, कितना बचा 18 रूट थ्री। तो इस तरह से आप रोमन थ्री को कर सकते हैं। तो यहाँ पे समझ लेना है आपको कि कब पूरी चीज को करनी है और कब किस पार्ट के लिए कौन कौन सा पार्ट को करना है। देखिए रोमन फोर को देखते हैं, एक्स वाई प्लस वन बाई एक्स, एक्स वाई का वैल्यू निकालना है, कुछ नहीं, एक्स का वैल्यू लिख लिए टू प्लस रूट थ्री, वाई का वैल्यू लिख लिए टू माइनस रूट थ्री, एक्स वाई निकालिए एक्स गुना वाई, तो टू प्लस रूट थ्री गुना टू माइनस रूट थ्री, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी मिल गया ना, तो ए होल स्क्वायर माइनस बी होल स्क्वायर, ए के जगह में क्या है टू, बी के जगह में क्या है रूट थ्री, तो टू होल स्क्वायर रूट थ्री होल स्क्वायर, ये तीन हो गया, ये दो दो चार हो गया, चार में से तीन गया एक, एक्स वाई प्लस वन बाई एक्स वाई, एक्स वाई का वैल्यू वन, एक्स वाई का वैल्यू वन, वन बाई वन मीन्स वन, वन प्लस वन इक्वल टू टू, तो इस तरह से एक्स वाई प्लस वन बाई एक्स वाई का वैल्यू कितना निकल गया, टू निकल गया, बहुत ही आसान। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का अब रोमन 5 को हम लोग देखते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 6 जब कर रहे थे तो याद कीजिए इसी फॉर्मेट में अंश में या क्वेश्चन था ए बी के रूप में, याद कीजिए, तो वहां पर आपके पास में जो क्वेश्चन था उसी तरह से इसको भी करना है, इस साइड वाला जो हिस्सा है वो सेम क्वेश्चन नंबर 6 का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में अगर आप ध्यान देते हैं तो क्वेश्चन नंबर 6 का रोमन 3 जो था उसमें ये वाला कैलकुलेशंस आपको मिलेगा। चलिए इसको शुरू करते हैं, x बराबर इतना है दिया हुआ है, y बराबर इतना दिया हुआ है, तो एक्स वाई कितना निकल गया, थोड़ी देर पहले भी हम लोग देखे थे इसके पहले वाले क्वेश्चन में इतना निकल गया। अब एक्स प्लस वाई निकालिए, देखिए एक बार जोड़ दिए, देख रहे हैं एक्स का वैल्यू वाई का वैल्यू जोड़ दिए, रूट थ्री कट गया, कितना आ गया 4, तो x प्लस y इक्वल टू 4, एक्स वाई इक्वल टू 1। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी रहे ये इस तरह के, तो हमेशा याद रखना है x y निकालना है और x प्लस y निकालना है, अगर आप चाहते हैं तो x माइनस y भी निकाल के क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास दिया हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 3y स्क्वायर, अरेंज कर दिए, देखिए x स्क्वायर स्क्वायर को 3 कॉमन ले लिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5xy, इसको फॉर्मूला में ब्रेक किया, आप जानते हैं a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab या a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab, ये दो फॉर्मूला में से किसी एक फॉर्मूला को यूज करना है। अगर आप प्लस वाला निकाल रहे हैं तो प्लस वाला यूज करेंगे, माइनस यहाँ पे निकाल रहे थे तो माइनस यूज कर सकते थे, आंसर एक ही आता। तो देखिए अब मैंने ब्रेक किया इसको, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ पे x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 2xy लिख लिए, माइनस 5xy, तीन ने गुना किया तो 3x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस तीन दुना छः 6xy माइनस 5xy, 6 और 5 मिलके 11xy हो गया, और जिम करती हूँ ये वाला हिस्सा, x प्लस वाई का वैल्यू देखे वहाँ पे 4 है तो 4 होल स्क्वायर लिखे, xy का वैल्यू 1 लिखे, 4 4 16 16 3
48, 48 माइनस 11, 11 इनटू 1, ठीक है, 48 में से 11 गया, कितना हुआ 37। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन प्रायः एग्जाम में आते हैं, आपको कुछ क्वेश्चन इसी तरह के प्रैक्टिस करते रहने होंगे। देखिए यहाँ पर यदि x बराबर रूट सेवन प्लस रूट थ्री बाई रूट सेवन माइनस रूट थ्री दिया हुआ हो, यहाँ पे एक्स वाई बराबर वन दिया है, इसके जगह में आपको y का वैल्यू इसी का रेसिप्रोकल किया हुआ यहाँ पे दिया हुआ रह सकता है। चलिए यहाँ पे एक्स वाई बराबर वन दिया हुआ है, तो दिखाएं इतना बराबर इतना होगा, ये सिद्ध करना है। देखिए शुरू करते हैं, x बराबर इतना दिया हुआ है, एक्स वाई बराबर वन दिया हुआ है, तो y बराबर कितना होगा, वन बाई एक्स, मतलब x को पलट देंगे वही y हो जाएगा। देखिए वन बाय जो x का वैल्यू है रूट सेवन प्लस रूट थ्री अपॉन रूट सेवन माइनस रूट थ्री, चेंज हो गया, तो रूट सेवन माइनस रूट थ्री बाय रूट सेवन प्लस रूट थ्री, ये वाला y का वैल्यू हो गया और ये वाला x का वैल्यू दिया हुआ है। तो आप जानते हैं इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा x प्लस वाई और या x माइनस वाई और एक्स वाई को निकाल कर ही आगे बढ़ना होता है। तो हम लोग क्या किए, x प्लस वाई का वैल्यू निकाल रहे हैं। देखिए x प्लस वाई, तो x का वैल्यू लिखे, y का वैल्यू लिखे, फिर यही चीज देखिए जो पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग सीख चुके हैं, यहाँ पे प्लस में है, यहाँ भी प्लस में है, यहाँ पे माइनस में है, यहाँ पे माइनस में है, आंसर हर को मिलाइए एक दूसरे का। आप इसलिए क्या करेंगे, परिमेयकरण करता हुआ प्रेफर नहीं करेंगे, आप जस्ट इसी तरह से जोड़कर लॉसा निकालना प्रेफर करेंगे। देखिए इन दोनों का लॉसा निकालें, आ गया रूट सेवन माइनस रूट थ्री इंटू रूट सेवन प्लस रूट थ्री, इसने भाग दिया तो प्लस वाला बच गया, प्लस वाला इसके साथ गुना किया, प्लस वाले के साथ होल स्क्वायर हो गया। इसी तरह से इसने भाग दिया तो माइनस वाला बच गया, देखिए रूट सेवन माइनस रूट थ्री ऊपर वाले को गुना किया तो रूट सेवन माइनस रूट थ्री का होल स्क्वायर हो गया। देखिए अब ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ब्रेक कर दिए, देखिए रूट सेवन होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, या ए स्क्वायर माइनस टू बी प्लस बी स्क्वायर, तो उसी को मैं बोल रहा हूं यहाँ पर, रूट सेवन होल स्क्वायर कितना हुआ, केवल सेवन, टू ए बी तो थ्री इंटू सेवन ट्वेंटी वन और टू, देखिए और बी स्क्वायर रूट थ्री होल स्क्वायर मतलब केवल थ्री, उसी तरह से ए होल स्क्वायर मतलब रूट सेवन होल स्क्वायर केवल सेवन, माइनस टू ए बी, टू जिम कहती हूँ ए बी, ए के जगह में सेवन, बी के जगह में थ्री, कहने का मतलब रूट सेवन इंटू रूट थ्री रूट ट्वेंटी वन, देखिए बी की जगह में रूट थ्री होल स्क्वायर, देखिए थ्री होल स्क्वायर रूट थ्री होल स्क्वायर केवल थ्री, तो देखिए सात तीन दस, सात तीन दस दोनों आ गया, सात तीन दस रूट टू रूट ट्वेंटी वन, और इधर का टेन माइनस टू रूट ट्वेंटी वन, देखिए टू रूट ट्वेंटी वन टू रूट ट्वेंटी वन कट गया, दस और दस मिलकर बीस, बीस बटा चार, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना निकल गया, फाइव। यही आपका मेन टारगेट है, x प्लस वाई इक्वल टू कुछ निकाल लेना, तो यहाँ पे फाइव निकल गया, ठीक है। उसके बाद में आपके पास जो एक्सप्रेशन दिया है उसको लिखिए लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि साबित करना है इसलिए लेफ्ट हैंड साइड लिखे हैं, बायां पक्ष लिख लिए। देखिए क्वेश्चन को आप क्या कर रहे हैं, हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में तैयार कर दिए, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख दिए, अब इसको तोड़ रहे हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस टू ए बी, देखिए अगर मैं प्लस निकाला हूं यहां पर तो प्लस ही का यूज करूंगा, माइनस निकाला रहता तो आप जानते हैं इसका दो फॉर्मूला होता है, तो प्लस या माइनस कोई भी आप लिख सकते हैं, तो प्लस वाला लिख लिए। अब देखिए यहाँ पे टू एक्स वाई में से एक एक्स वाई घट गया, एक एक्स वाई बच गया, यहाँ पे दो एक्स वाई, यहाँ पे एक एक्स वाई, तीन एक्स वाई हो गया, एक्स प्लस वाई का वैल्यू फाइव, फाइव बैठा दिए, एक्स वाई का वैल्यू वन, वन बैठा दिए, तो फाइव फाइव ट्वेंटी फाइव वन आ गया, फाइव फाइव ट्वेंटी फाइव थ्री इंटू वन थ्री 24 हो गया, 25 में से गया, 25 में से 3 गया 22, तो 2 के पाड़ा से काटे तो 12 और नीचे में 11, तो 12 बटा 1, वही चीज आपको साबित करना था राइट हैंड साइड में। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को प्रमाण कर लिए। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 बड़ा वाला क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए बहुत ही साधारण और आसान प्रश्न है, यहाँ पर दिया हुआ है रूट सेवन प्लस वन एवं रूट सेवन प्लस रूट थ्री में कौन सा बड़ा है लिखें। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में आप इन दोनों को ऐड करके देखिए, सात
ये वन है मतलब रूट वन, ठीक है, सेवन एन वन एट, फाइव एन थ्री एट, इस तरह के फॉर्मेट वाले क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ भी हो सकता था रूट सिक्स रूट टू, तो छ दो आठ, सात और एक आठ, या फिर यहाँ पे रूट सिक्स रूट टू, इस तरह का रहता। तो आपको देखना क्या है, कैसे करके आप ट्रिक अपना सकते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए, सात एक सात पांतियां पंद्रह, तो ये वाला बड़ा है ये वाला छोटा है, आप देखते ही पहचान गए, ठीक है। अब करके देखते हैं, देखिए सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में आप वर्ग निकाल लीजिएगा, जैसे मैंने लिखा है रूट सेवन प्लस वन का वर्ग, रूट सेवन प्लस वन होल स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला बैठा दिए, ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो देखिए रूट सेवन होल स्क्वायर मतलब सेवन, वन होल स्क्वायर मतलब वन, और सात एक सात, तो ये देखिए टू रूट सेवन, तो एट, सात और एक मिलके आठ, आठ प्लस टू रूट सेवन। सेम इसी तरह से इस वाले का किए, रूट फाइव प्लस रूट थ्री का वर्ग, तो रूट फाइव प्लस रूट थ्री होल स्क्वायर, तो रूट फाइव होल स्क्वायर प्लस टू रूट फाइव इंटू रूट थ्री प्लस रूट थ्री होल स्क्वायर। देखिए पांच एक ये केवल पांच हो गया और यहाँ पे केवल तीन हो गया, होल स्क्वायर होने के कारण से रूट गायब हो गया, तो पांच और तीन मिलकर आठ हो गया, और यहाँ पे टू रूट फिफ्टीन पंतिया पंद्रह, ठीक है। तो अब देखिए आप दोनों में आ गया एट एट, एट प्लस टू रूट सेवन, और दूसरे वाले में एट प्लस टू रूट फिफ्टीन। अब देखिए आप जानते हैं रूट फिफ्टीन बड़ा है रूट सेवन से, तो यहाँ पे टू मल्टीप्लाई कर दिए, तो टू रूट फिफ्टीन बड़ा है किससे, टू रूट फिफ्टीन से, एट ऐड कर दिए, तो एट प्लस टू रूट फिफ्टीन बड़ा है किससे, एट प्लस टू रूट फिफ्टीन से, तो ये क्या है रूट फाइव प्लस रूट थ्री है ना, तो इसलिए टू रूट फाइव प्लस रूट थ्री रूट सेवन प्लस वन से बड़ा है बोल दिए। यहाँ पे होल स्क्वायर बैठाते तो भी बात वही होती है, तो हम लोग केवल इसी को लेके हम बता दिए कि भाई ये इससे छोटा है या फिर ये वाला इससे बड़ा है। अब आपके पास तीन क्वेश्चन मैंने दिए हैं जो काफी बार माध्यमिक में पूछे गए हैं, और इसी तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, आप इन सबको प्रैक्टिस कीजिएगा और सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस एट एसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी।